नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजवेद, स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी ब्रिक्स करेंसी को लेकर। दरअसल चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों कंट्रीज ये चाहती है कि किसी तरीके से एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, जिसकी वजह से जिस तरीके से EU नेशन यानी यूरोपियन नेशन के बीच में यूरो एक कॉमन करेंसी जिसकी वजह से वो आसानी में ट्रेड कर सकते हैं, उसी तरीके से ये जो ब्रिक्स करेंसी है वो भी आपस में ट्रेड कर सकें। अब आप सोचेंगे पांच कंट्री के लिए क्या ही स्पेशल करेंसी बनाए, लेकिन पांच छोड़ के अब वो 10 हो चुके हैं। 2024 में 5 नए मेंबर और जुड़ने जा रहे हैं। ये पांचों मेंबर कौन है, क्या ब्रिक्स करेंसी का रोल है, इसमें चाइना का क्या रोल है और मोदी जी का इसमें इस बार क्या खास योगदान रहा, उन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की हेडलाइन के बारे में। वहीं आज की पहली हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है खेल जगत से, जहां पर टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में शानदार खेल दिखाया है। नीरज ने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में नीरज चोपड़ा का ये बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले उनका वर्तमान सीजन में बेस्ट प्रदर्शन 88.67 रहा था। नीरज चोपड़ा ने इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक भी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा। आपको बता दें कि चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत दुनिया भर के 37 जेवलिन थ्रोअर्स ने भाग लिया था। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है यूपी से। दरअसल यूपी के चर्चित गैंगस्टर पूर्व मंत्री कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आने वाले हैं। यूपी शासन में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। अमरमणि और उनकी पत्नी 20 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। आदेश में उम्र जेल में काटी गई अवधि, अच्छे आचरण को देखकर सब मंजूरी दी गई थी। दरअसल मधुमिता की जो बहन है उन्होंने फिर से उनके ऊपर एक और केस कर दिया है। 24 तारीख को तो ये ऑर्डर पास हो गया, लेकिन आज 25 तारीख को उस चीज की सुनवाई है। आज सुनवाई होने के बाद में इसमें क्या अपडेट आएगा कल आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की आखिरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा के मामले में बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की इस हिंसा से जुड़े 27 CBI मामलों की सुनवाई के लिए पड़ोसी राज्य असम में ट्रांसफर कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए एक से अधिक न्यायिक अधिकारियों का नाम शामिल किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसका निर्देशन देते हुए आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत और इसके विस्तार से संबंधित सारी कार्यवाही गुवाहाटी के एक विशेष अदालत को ऑनलाइन आयोजित करने की जानकारी दी है। मणिपुर की हिंसा को लेकर ये काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि मई के अंदर ये पूरा मामला हुआ था। उसके बाद अगस्त में ये पूरा मामला वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद में आपको पता है किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों मणिपुर के ऊपर टूट पड़े थे। सब लोगों को अचानक से मानवता याद आ गई थी, लेकिन इतने टाइम से वहां पर जो चल रहा था उसके ऊपर किसी को कुछ याद नहीं आया। बस इतना था कि प्रधानमंत्री किसी तरीके से कुछ बोल दे। उनकी बोली से मणिपुर में चलने वाली हिंसा कभी भी ठीक नहीं होने वाली थी। उसके ऊपर पूरा काम तो प्रशासन और वहां के मुख्यमंत्री को ही करना चाहिए था, और वो कर भी रहे हैं। मणिपुर मामला जैसे शांत होगा तो आपको TV24 पर उसकी एक खास पेशकश देखने को जरूर मिल जाएगी। हमने वैसे मणिपुर को काफी डिटेल में फॉलो किया है, उससे जुड़े हुए सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर डे टू डे की घटनाएं आपस में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रिक्स करेंसी के बारे में। ब्रिक्स करेंसी असल में है क्या? ब्रिक्स करेंसी एक आइडिया है जिसको 2016 के बाद मिलाया गया था। आपको पता होगा 1973 में हेनरी किसिंजर वो पहला शख्स था जिसने सऊदी अरब के साथ में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद ही डॉलर की इतनी ज्यादा वैल्यू होना शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले लोग पाउंड को ज्यादा वैल्यू दिया करते थे, क्योंकि सीधी सी बात है इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाई थी और जितनी ज्यादा कॉलोनी उतना ज्यादा उनका पैसा वहां पर चलता था। हेनरी किसिंजर के बाद में ही डॉलर डोमिनेट करने लग गया। आज पूरे वर्ल्ड की तकरीबन 65% जो करेंसी है वो डॉलर दूसरे देश अपने यहाँ पर रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा और अभी भी है, जैसे नॉर्थ कोरिया है और भी कई सारी कंट्रीज है, अफगानिस्तान है, अब वैसा ही कुछ उससे डरते हुए चाइना, ब्राजील और साथ में सऊदी अफ्रीका ये चाहते हैं कि एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए जिसे ब्रिक्स करेंसी बोला जाए। लेकिन चाइना इसमें चाहता है कि उसके युआन को ब्रिक्स करेंसी के रूप में प्रेजेंट किया जाए, और नरेंद्र मोदी इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर चर्चा हुई लेकिन चर्चा कामयाब नहीं हुई। ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स समिट है वो एक तरीके से फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी तरीके से इतना ज़्यादा कारगर नहीं हुआ था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इन
इनके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई है खास तौर पर। इस मामले के ऊपर डिटेल रिपोर्ट आने के बाद में हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये ब्रिक्स समिट में तीन दिन में जो कुछ भी बीता है वो सब आपको समझ में आ जाए। अब चाइना ये चाहता है कि उसका युआन किसी तरीके से ग्लोबल ट्रेडिंग के अंदर आ जाए क्योंकि 2008 से ही वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये काम हो जाए, लेकिन इंडिया शायद ये काम कभी नहीं होने देगा। आगे जाकर अगर किसी तरीके से करेंसी इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो शायद तक इंडियन करेंसी हो सकती है। वैसे बता दो आपको, रशिया ने भी सपोर्ट किया था कि किसी तरीके से युआन को ही आगे जाकर नॉर्मल करेंसी जो इनके ट्रेड में यूज में ली जा सकती है वो ले सके। दरअसल देखा जाए तो 25% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों के बीच में होता है और 46% पूरी दुनिया की जो आबादी है वो इनके पास है, क्योंकि चाइना और इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, 8 बिलियन लोग हैं, उनमें से 3 बिलियन लोग तो सिर्फ यहीं पर है। साउथ अफ्रीका की इनकी बात करें तो वो काफी ज्यादा एरिया भी होल्ड करके रखती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।